आपके भाई को ये लगता है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं तो कहना चाहिए कि अभी सोच नहीं, कुछ नहीं बिगड़ा, इन्हें भी लड़कियों की कमी नहीं है और हमारी बेटी भी है, हम पर कोई बोझ नहीं है। सबीन, भाभी जी क्या कर रही हैं? वो नमाज के बाद कुछ दुआएं पढ़ रही हैं। चलो हम भी जाके कुछ दुआएं ले लें। जी कामरान, बात तो सुनो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वालेकुम। मैं बात करती हूँ भाई। नहीं रहने दें भाभी। भाभी जी सिर्फ अब हमारी भाभी जी नहीं रही बल्कि माँ की तरह है, है ना भाभी जी? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल। जब नाजिया की शादी हुई थी तुम छोटे से थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो, घर के बच्चे हो। बस जब आप अपना बच्चा समझती हैं तो फिर सबसे बड़ा हक भी आपका है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। ये क्या है? अगर एक माँ अपने बच्चे की शादी की तारीख सेट नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ये ले भाभी जी, बहुत मुबारक हो। मुंह मीठा। आपको भी मुंह। तुम लोग भी मुंह मीठा करो। मैं तो खुद चाहती थी कि सब बड़े बैठ के शादी की तारीख तय कर लें, लेकिन कामरान ने मौका ही नहीं दिया। सही है, लेकिन मुझे अगला जुमा ही मुनासिब लग रहा है। आप लोग देख लें, अगर आप लोगों को ये दिन मुनासिब लग रहा है तो हम यही रख लेते हैं। भाभी जान, अब आपने जो दिन कह दिया वही हमारे लिए मुबारक है। अल्लाह बच्चों को खुशियां नसीब करे, खुश रखे हमेशा। वो तमाम कामों की लिस्ट बना लो, मैं तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दूंगा, फिर भाभी जान के साथ बैठकर हम मेहमानों की लिस्ट भी बना लेते हैं। ठीक है। गेस्ट लिस्ट आप लोग मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने नबील और सना के लिए एक ही कार्ड बनवा रहा हूँ, क्या ख्याल है मुझे? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक लिफाफे में दोनों इन्विटेशन चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तुम अगर अपने दोस्तों में से किसी को बुलाना चाहो तो बता दो। नहीं रहने दीजिए मंसूर भाई, शादी पर देखेंगे। फॉर नाउ लेट्स जस्ट लेट इट बी अ फैमिली अफेयर। हाँ हाँ मैं भी यही सोच रहा था बिल्कुल। हाल बता बच्चों, अगर तुम में से कोई किसी को बुलाना चाहे। सबीन बाबा, आई थिंक काई मामा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग तो बाद में भी शरीक हो सकते हैं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, शादी और निकाह में दिन ही कितने रहेंगे, आप लोग की तो भी मंगनी हो रही है, बुला लो जिसको बुलाना है। नहीं कामरान भाई, ये इवेंट सादगी से ही होगा। जी नहीं, मैं अभी फोन कर रही हूँ इवेंट प्लानर को जुम्मे के लिए। तुम वो घर के कागजात भी बनवा लो, मैं भी बनाऊं। जी मंसूर भाई आप बेफिक्र हो जाए, आपने कह दिया और आपका कहा मेरे लिए हुक्म रहा है, उस दिन तक पेपर्स रेडी हो जाएंगे। उस दिन तक क्यों, दो तीन दिन पहले क्यों नहीं? अब तुम निकाह के वक्त काजी के सामने फाइल लाकर मेरे सामने रखोगे तो मैं क्या चेक कर पाऊंगा? आपको मुझ पर एतबार नहीं है। एतबार? बिल्कुल एतबार है तुम पर, मगर सबीन मेरी बच्ची है, मेरे भाई की अमानत है मेरे पास। और फिर कागजात को वकील ने बनाने, इसमें एतबार का क्या सवाल? लेकिन होंगे तो उसी घर के जो मैं सबीन को गिफ्ट कर रहा हूं। आपको वकील पर नहीं, शायद मेरी नीयत पर शक है। कामी मंसूर, आप इंसल्ट कर रहे हैं कामी जी। अगर आपके भाई को ये लगता है कि मैं उनकी इंसल्ट कर रहा हूं तो कहना चाहिए कि अभी सोच नहीं।
कुछ नहीं बिगड़ा, इन्हें भी लड़कियों की कमी नहीं है और हमारी बेटी भी है, हम पर कोई बोझ नहीं है। सूर, कामी अब कुछ कहो ना। आ बेटा। Assalamualaikum, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।